धमतरी जिले में मतगणना को लेकर तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जिले की 3 विधानसभा सीटों में 2 महासमुंद तो वहीं 1 विधानसभा कांके लोकसभा सीट में आती है। यहां भी 23 मई को मतगणना होनी है। मतदान के बाद जिले की 3 विधानसभाओं की ईवीएम रुद्री स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज स्ट्रांग रूम में रखी गई है, जहाँ गुरुवार को काउंटिंग की जाएगी और स्ट्रांग रूम के हर कमरे में 14 टेबल बनाए गए हैं। कुल 19 राउंड में मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। धमतरी जिला निर्वाचन अधिकारी रजत बंसल का साफ तौर पर कहना है कि मतगणना को लेकर तमाम इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। जिले में मतगणना को सफल सुचारू रूप से संपादित करने हर तैयारी पूरी कर ली गई है। 14 टेबल रखी गई हैं और उसको लगभग 17, 18 और 19 राउंड है तीनों विधानसभाओं में हमारे, और इसके लिए विशेष रूप से मतगणना के ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति की गई है और वो भी हमारे साथ रहेंगे और परसों की टेस्टिंग में भी वो साथ।